तो हेलो मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने फैमिली के साथ खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि आज IMC कल्चर फिश फार्मिंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं कुछ अलग तरीके से बताऊँगा, कुछ अलग बताऊँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं IMC कल्चर, रेहू कतला मृगल। उसको फार्मिंग मतलब कि ये तो मछली एकदम, मतलब आप समझ लो कि पंगास और रूपचंदा मछली से बहुत पहले, बहुत ही मतलब कि जब से मुझे लगता है कि ये मछली का उत्पादन हुआ तो रेहू कतला मृगल हमारे भारत देश में उसी टाइम से आ गया IMC। तो ये क्वीन मछली है, सबसे पहली तो मछली का परिचय। उसके बाद आप बात करते हैं कि तालाब, तालाब के बारे में भी ज़रूरी है, मतलब कि IMC के लिए तालाब के बारे में भी ज़रूरी है जानना। तो किसान भाई, जो तालाब जो इसका होता है, कब लगभग लगभग अगर इस मछली का पालन करना चाहते हो तो तालाब तो बड़ा ही बनवाना पड़ेगा इस मछली के लिए। इस मछली के लिए तालाब बड़ा बनवाना ही पड़ेगा। अब क्यों बात करते हैं, क्यों बनवाना पड़ेगा, क्यों छोटे तालाब में नहीं होता है? तो किसान भाइयों, इसका जो कल्चर है ये हाई डेंसिटी में नहीं होता है, ये लो डेंसिटी में होता है। और इसका ऑक्सीजन जो ये है, मछली है IMC, ये ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। बड़े तालाब में भी आप इसको कम ही मछली देना पड़ता है। 1 एकड़ में आप समझ लो कि 4 से 5 हज़ार देना पड़ता है विथ एरिएटर, एरिएटर के साथ। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन ये कंज्यूम करती है ये मछली। तो इसीलिए मतलब कि किसान जो कि छोटे छोटे किसान होते हैं वो नहीं पाल पाते हैं। जिनके पास कि 2 एकड़ 4 एकड़ का ज़मीन मतलब तालाब होता है वो तो खैर नॉर्मली पाल लेते हैं, लेकिन जिनके पास छोटा तालाब होता है वो नहीं पाल पाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखिएगा ध्यान से, तो वो नहीं पाल पाते हैं। तो यही बात होता है कि किसान छोटे किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अब छोटे किसानों के लिए भी मैं ये, अब मैं जो खुद करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। तो किसान भाइयों, मैं अपने तालाब में क्या करता हूँ कि रेहू मछली जो है, मेरा इतना बड़ा नहीं है तालाब, अभी जो दिख रहा है ये इसमें रूपचंदा है। रेहू कातल का जो तालाब है, IMC का तालाब, वो छोटा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो छोटा तालाब। मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको कि उसमें रेहू मछली नहीं डालता हूँ। अब आप बोलोगे रेहू ही नहीं डालते हो तो फिर IMC क्या हुआ? रेहू मछली मैं इसलिए नहीं डालता हूँ कि रेहू मछली का ग्रोथ इतना कम है, इतना कम है कि अगर छोटे तालाब में डाल दिया जाए तो वो मछली नहीं, मतलब कि आप समझ लो 2 से 2.5 साल लग जाएगा उसको ग्रोथ होने में, बढ़ने में 2 से 2.5, इतना वेट कौन करता है? तो इसीलिए मैं अपने तालाब में रेहू मछली नहीं डालता हूँ। डालता क्या हूँ तो हाइब्रिड, अभी कातल आता है, हाइब्रिड कातल का जीरा आता है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद फिर मृगल डाल देता हूँ, गोल्डन डाल देता हूँ, गिलास कप डाल देता हूँ, कुछ कुछ ऐसे थोड़े थोड़े मछली डाल के IMC का तालाब जैसे बना लेता हूँ मैं IMC पालन के लिए। उसके साथ साथ मतलब कि छोटे तालाब में भी कम टाइम में, लगभग 1 साल में 12, 8 से 12 महीने में मेरी मछली जो है 700 से 800 ग्राम तक आराम से, KG भी हो जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यही अगर उसमें हम रेहू डाल देंगे तो फिर वो फायदा ही नहीं है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, पानी, IMC के लिए पानी, पानी कैसा होना चाहिए? तो किसान भाइयों, IMC कल्चर ऐसा मछली है जिसमें पानी हमेशा ही साफ रहना चाहिए। साफ पानी में ही आपका वो मछली ग्रोथ होगा। थोड़ा सा भी अमोनिया, 1% 2% अमोनिया हो गया तो वो मछली में क्या होता है, स्ट्रेस, मतलब कि वो मछली ना अच्छे से खा पाएगी, ना अच्छे से ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाएगी, ना उसमें ग्रोथ होगा। ऐसे ही हो जाता है क्योंकि अमोनिया तो नीचे से पैदा होता है, अमोनिया नीचे से पैदा होता है। तो इसीलिए आपको भोजन भी अगर कराना है तो अगर आप सिंकिंग फीड करा रहे हैं, अब बात करते हैं कि फीड थोड़ा सा, तो सिंकिंग फीड अगर आप करा रहे हैं तो मैं अपना पर्सनल जो बात है वो बोल बता रहा हूँ आपको कि सिंकिंग फीड अगर करा रहे हैं तो टब प्लास्टिक का आता है उसमें सिंकिंग फीड डाल दें। और जगह जगह पे तालाब के मतलब कि अगर बीच बीच में कहीं कहीं पे वो सिंकिंग फीड डाल दें। इससे क्या होगा कि वो टब से फीड जो है बाहर नहीं निकलेगा, मिट्टी में नहीं जाएगा और वो मछली आराम से खा लेगी।
जब जब उसको भूख लगेगी वो मछली अपने जाके खा लेगी सिंकिंग फीड। तो इससे वो जो दाना है पानी में नहीं मिक्स होगा ना, वो मिट्टी में मिक्स होगा, तो आपका मिट्टी भी ख़राब नहीं होगा और अमोनिया कम होगा आपके तालाब में। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ये जो IMC है ये तो खैर गंदगी को ही कंज्यूम करती है, अगर गंदा है तो उसको भी कंज्यूम करता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले तो होता नहीं है अमोनिया IMC के तालाब में, मतलब कि नहीं होता है पहले, लेकिन फिर भी ज़्यादा अगर डाल रहे हैं तो, अगर ज़्यादा फीड डाल रहे हैं तो होने की संभावना होता है। अब बात करते हैं कि जीरा जो होता है मछली को उसको क्या खिलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, जीरा जो होता है ना उसको मैं जो बोलता हूँ उसको आप दाना ही खिलाओ, मार्केट पे जो दाना अवेलेबल वो खिलाओ। वो क्यों खिलाइए? क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, 28% प्रोटीन होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको खिलाइए। उसको खिलाने से बेनिफिट है, ग्रोथ फास्ट होगा, क्योंकि IMC का जीरा में ग्रोथ कम होता है। अगर अच्छा दाना खिलाइएगा तो ग्रोथ फास्ट होगा, तो इसको इससे आप ही को फ़ायदा होगा। और किसान भाइयों, अगर आप घर का खाना देना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि घर का खाना रेहू कातल फिश को कम से कम 400 ग्राम का हो जाए, 500 ग्राम का हो जाए तब दें। रेहू कातल को फिश को जब घर का खाना देना है, जैसे कि खल्ली दर्रा देना है, तो 400-500 ग्राम से ओवर हो जाए तब देना है। उसमें भी दाना सिंकिंग फीड देना है, साथ साथ कम से कम 60% सिंकिंग फीड रखना है। अगर फार्मिंग करके पैसा कमाना है तब तो सिंकिंग फीड रखना कम से कम 60%। 40% आप घर का खाना दे सकते हैं, इसमें भी ग्रोथ अच्छा खासा हो जाएगा। और ऐसा सब चीज़ करने के बाद मेरा उम्मीद है आपसे कि ये सब अच्छा रखने के बाद, सब चीज़ अच्छा से करने के बाद 12 से 13 14 महीने में आपका सारा मछली वो केजी प्लस हो जाएगा और आपको मार्केट में आप बेच सकते हैं, फिर अच्छा खासा इनकम भी होगा। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन एक बात अभी भी ध्यान में रखें कि आपको अगर छोटा तालाब है तो उसमें रेहू नहीं डालना, क्योंकि रेहू का ग्रोथ बहुत लंबा दिन तक रहता है, बहुत लंबा दिन में होगा अगर छोटा तालाब में आप दिए हैं तो। इसीलिए मेरा बोलने का मतलब ये है, समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, रेहू नहीं देना है, कातल बिग्रेट और फिर गोल्डन, यही सब देना है मछली जो कि जब फास्ट ग्रोथ करता हो छोटे तालाब में। रेहू तो बहुत लंबा टाइम लेता है, 24 मंथ ले लेगा, 28 मंथ ले लेगा, दो साल ढाई साल क्या फ़ायदा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।